सीआईएसएफ की इस महिला कांस्टेबल को तो आप पहचानते होंगे, जिसने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद इस कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए। एक बार लोगों को लगा कुलविंदर कौर का साथ कौन देगा, लेकिन अब कुलविंदर कौर पर ऑफर्स की बरसात हो रही है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीएसएफ कांस्टेबल के समर्थन में तमाम लोग उतर आए हैं। इसमें किसान, मजदूर और बिजनेसमैन शामिल है। कई बिजनेसमैन ने तो कुलविंदर कौर को नौकरी, पैसे और कानूनी मदद की पेशकश की है। कुलविंदर कौर ने दावा किया था कि उसने कंगना को इसलिए थप्पड़ मारा कि उसने किसान आंदोलनकारियों पर गलत बयानबाजी की थी, महिलाओं के बारे में कहा था कि वो 100-100 रुपए लेकर प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, जबकि आंदोलन का हिस्सा उनकी माँ भी थी। लेकिन अब खालिस्तानी आतंकी गुरपतबंद सिंह पन्नू ने कुलविंदर कौर को इनाम देने का ऐलान किया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतबंद सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि कंगना को थप्पड़ मारकर कुलविंदर ने एकदम ठीक किया है, इसीलिए वो कुलविंदर को बतौर इनाम 8 लाख रुपए देगा, क्योंकि ये खालिस्तानी आतंकी इस पूरे घटनाक्रम से काफी खुश है। इसके अलावा फेमस म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी सीआईएसएफ कांस्टेबल को नौकरी देने का ऑफर दिया है, ताकि कुलविंदर कौर को आर्थिक मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत भी कुलविंदर कौर के समर्थन में उतर आए हैं। शायद कुलविंदर कौर को भी इसका एहसास नहीं रहा होगा कि कंगना को थप्पड़ मारने के बाद उसे इतना समर्थन मिलेगा, लेकिन जिस तरह सीआईएसएफ कांस्टेबल ने वर्दी में इस कांड को अंजाम दिया, उसे जायज तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता।